नमस्कार, मैं दिशुर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नुसरत जहां, ये नाम पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है। नुसरत जहां ममता बनर्जी की पार्टी से लोकसभा सांसद हैं और बंगाली अभिनेत्री भी हैं, लेकिन वो शादी के साथ ही अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं में है। नुसरत ने 19 जून 2019 को टर्की के बोड्रम सिटी में कारोबारी निखिल जैन के साथ शादी की थी, लेकिन जब उनके प्रेग्नेंट होने की खबर मीडिया में सामने आई तो उनके पति निखिल जैन ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि 6 महीने से नुसरत उनके साथ नहीं है। अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी है तो बच्चा उनका नहीं है। जिसके बाद नुसरत जहां ने बयान जारी करके कहा था कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी हुई नहीं थी और भारतीय कानून की नजर में वो सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप था, शादी नहीं। तुर्की में ये शादी हुई थी, जिसका यहाँ अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच होने वाली शादी वाला स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। नुसरत जहां ने इसी आधार पर कहा था कि शादी हुई ही नहीं तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब नुसरत जहां बुरी फंस गई हैं और नौबत ये आ गई है कि उनकी सांसदी भी जा सकती है। दरअसल बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर अपनी संसदीय एफिडेविट में झूठ बोलने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी शादी को लेकर झूठी जानकारी दी, इसलिए उन्हें संसद से बर्खास्त किया जाए। बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्या ने इस संबंध में आवाज उठाई है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद मौर्या ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि नुसरत जहां के हालिया मीडिया बयानों के बाद पता चला है कि उन्होंने जानबूझकर लोकसभा सचिवालय को अपनी शादी को लेकर झूठी जानकारी दी। ये अवैध, अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उन्होंने जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारी देने का हथकंडा अपनाकर अपने मतदाताओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने संसद और इनके सदस्यों का भी अपमान किया है। इस पत्र में दावा किया गया है कि बंगाली अभिनेत्री ने लोकसभा में नुसरत जहां रूही जैन के रूप में शपथ ली और कानून के हिसाब से अब उनकी सदस्यता मान्य नहीं होनी चाहिए। दरअसल 25 जून 2019 को नुसरत जहां ने सांसद के रूप में शपथ ली थी और उस दौरान उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही उनकी मांग में सिंदूर भी दिखा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वर नामे शपथ करितेछि जे आमी विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्या ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि ऐसी व्यवहार के कारण नुसरत जहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले की जांच संसद की एथिक्स कमेटी से कराई जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब इस्लामी कट्टरपंथियों ने नॉन मुस्लिम से शादी करने और सिंदूर को लेकर उन पर हमला किया था तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कई सांसदों ने उनका बचाव भी किया था। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी सांसद के पत्र पर लोकसभा अध्यक्ष क्या कुछ एक्शन लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।